हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको ऐसी तीन ताकतवर दालों के बारे में बताने जा रही हूं जो आपने रात को भिगोनी है और सुबह सेवन करनी है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम होता है। इतने ज्यादा इसमें ये तत्व पाए जाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप इन्हें रोजाना नहीं खाते या फिर बहुत कम खाते हैं, ताकि इनके फायदे नहीं ले पाते। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तीनों की तीनों दालों का वर्णन हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में बड़े ही विस्तार से वर्णित है। ये दालें कम से कम 200 से भी ज्यादा बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। सबसे पहली दाल है दोस्तों कुल्थी की दाल। इसे इंग्लिश में हॉर्स ग्रेन कहते हैं। दोस्तों, घोड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए इसी दाल को खिलाया जाता है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दाल कितनी पावरफुल होगी। दोस्तों, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर किसी दाल के अंदर पाया जाता है तो वो यही दाल है। दोस्तों, रोजाना इसको अगर आप भिगोकर रात को और सुबह सेवन करते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और भिगोने के बाद इसकी तासीर नॉर्मल हो जाती है, बैलेंस में हो जाती है। तो दोस्तों, अगर रोजाना आप इसका सेवन करते हैं तो ये जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, हाथों पैरों में, कमर में या पीठ में, बदन में होने वाले दर्द के लिए, या गठिया की समस्या है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपके जोड़ों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, उन सभी तकलीफों में ये बेहद फायदेमंद है। आप इस दाल को पकाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा जिन पुरुषों के अंदर अंदरूनी कमजोरी रहती है, ताकत की कमी हो जाती है, उनके शरीर में मांस, मज्जा और वीर्य को बढ़ाने के लिए भी ये जबरदस्त दाल है। जिन भी लोगों में अंदरूनी कमजोरी है, स्टेमिना की कमी है, ताकत की कमी है, शक्ति की कमी है, चुस्ती फुर्ती की कमी है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, वो लोग रोजाना इस दाल को रात को भिगो दें और सुबह इसका सेवन करें। मॉर्निंग में खाली पेट इसका सेवन करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें, आपके अंदर स्टेमिना एनर्जी भर जाएगी। इसके अलावा यह हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में मदद करती है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करती है। आप अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, सब लोगों को ये दाल उबाल कर या भिगो कर सुबह दे सकते हैं, बहुत फायदेमंद होगी। अगर आपके शरीर में आपको थकावट और कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, आपने चेकअप करवा लिया, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर आपको विटामिन और मिनरल की कमी महसूस होती है, तो आज से ही सिर्फ 2 चम्मच कुल्थी की दाल को रात को भिगो देना है और सुबह इसका सेवन करना है। दोस्तों, दूसरी दाल है साबुत मूंग की दाल। जवान रहने के लिए, एजिंग इफेक्ट्स को कम करने के लिए, स्किन पर ग्लो लाने के लिए, बॉडी के अंदर मांस मज्जा को बनाने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको रोजाना मूंग की दाल का सेवन जरूर करना है। इसके अंदर कॉपर, फॉलेट, राइबोफेलिंग, विटामिन सी, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन B6 और प्रोटीन, ये सभी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, कब्ज से राहत दिलाती है। अगर आप इसे अंकुरित करके, यानी कि हरी मूंग की दाल के स्प्राउट बनाकर सेवन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये BP को तो नॉर्मल करती ही है, साथ ही साथ ये बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने की ताकत रखती है। दोस्तों, तीसरी दाल है चना। साबुत चने ये मर्दाना कमजोरी को दूर करते हैं, शरीर के अंदर ताकत का खजाना भर देते हैं। दोस्तों, ये मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर आयरन और राइबोफेलिंग बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो त्वचा के लिए और बालों के लिए काफी अच्छा है। जो लोग सारा दिन थकान महसूस करते हैं, उनके लिए एक मुट्ठी पर रात को चने भिगो दीजिए और सुबह सेवन कीजिए, आपको फर्क पहले दिन में ही दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी तीन ऐसी दालें जिनका सेवन एक का आपको रोजाना जरूर करना है। आप इनमें से किसी भी एक दाल का सेवन रोजाना जरूर करें। अगर आप कुल्थी की दाल ले रहे हैं, रात को भिगो दीजिए, सुबह सेवन करें। अगर आप मूंग ले रहे हैं, तो आप मूंग के स्प्राउट निकालिए, फिर इसका सेवन करें। और अगर आप काले चने ले रहे हैं, तो रात को भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन करें। एक मुट्ठी चने का इस्तेमाल रोज किया जा सकता है। अगर किसी इंसान को गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो इसे अच्छे से चबाकर पेस्ट बनाकर अंदर निकलेंगे, तो गैस की समस्या भी नहीं होगी। और इसके साथ हल्का सा गुड़ खा लीजिए, ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और गैस एसिडिटी नहीं पैदा करे। दोस्तों, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।